इसको बिल्कुल 0.01 का ड्रिल भी होगा ना आपका, ये वो भी पकड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल आपका, मैंने बिल्कुल मुंह बंद कर दिया। ये डायल इंडिकेटर होता है अपने पास मिडिलवेयर का, अच्छा बहुत ही रीजनेबल रेट में अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ये 2D 3D सब में मिल जाएगा मेरे पास, 4D तक में। इसका जो डायल का साइज होता है वो मेरे पास 16mm से लेके 32mm तक के सारे साइज अवेलेबल है। जो मैं बोल रहा था सबसे ज़्यादा हार्डनेस में जो चलता नहीं 65/4C का चलता है, ये होता है 65/4C। ओके, ये 55/4C का होता है, गोल्डन कोटेड। ये 1.5 में, ये 2mm में है, ये 3mm में है, 25mm तक के मेरे पास एंड मिल अवेलेबल है, कार्बाइड के, सॉलिड कार्बाइड के। ठीक है, 40 का कॉल डॉट का बोलते हैं उसको, ये भी अपने पास अवेलेबल मिल जाएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोशन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ब्रो। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ शॉप नंबर के 107 मीना बाजार टूल्स मार्केट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे इस शॉप पे CNC VMC और जो मिलिंग टूल्स होता है वो सारी वैरायटी दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको कुछ ऐसे टूल दिखाए थे, लेकिन ये जो वीडियो है मैंने कुछ एक नया अपडेट लेके आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले शॉप का जो थोड़ा बहुत जो आइडिया है, थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे आते हो थोड़ा बहुत डायरेक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको जो शॉप के जो ऑनर है उनसे मिलवाऊंगा जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में बनवाया था। उसके बाद वीडियो को शुरुआत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे इनके पास में क्या क्या चीज़ें अपडेट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जैसे आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले जामा मस्जिद गेट नंबर 2 पे आओगे, उसके बाद जैसे आओगे तो कुछ यहाँ पे घड़ी की दुकानें वगैरह दिख जाती हैं जो कि सजाने वाला जो जो कुछ भी सामान है यहाँ पे आपको दिख जाता है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आते हो सामने आपको यहाँ पे जो है ये कॉटन मार्केट, यहाँ पे मोटर मार्केट और सामने आपको साइकिल मार्केट। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ये वाली शॉप आपको दिख जाती है जहाँ पे आपको सारे जो है मिलिंग मशीन और जो है CNC VMC के सारे टूल यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे भाई हैं ओसामा भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा ओसामा भैया, अपना यहाँ पे फिक्स एड्रेस आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे पास कमेंट आते हैं कि कहाँ पे एड्रेस है और कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो आप ज़रूर मुझे बताइए यहाँ का एड्रेस। भाई अपनी शॉप यहाँ पर मीना बाज़ार में है, शॉप नंबर K107। अगर आपको यहाँ पर आना हो तो यहाँ पर आकर सिर्फ मुझे कॉल कर लें, मेरा नंबर है 7053361864। मेरा लड़का आपको पिक करने आ जाएगा, आप मेरी शॉप तक लेके आएगा। ठीक है, तो आज हमें आप क्या अपडेट लेकर के आए हो, क्या चीज़ें हमें दिखाने वाले हो? आज मेरे पास न्यू चीज़ें अपडेट हुई हैं, जैसे मिलिंग मशीन की आइटम्स होती हैं, एंड मिल्स होगा कार्बाइड के, उसमें छोटे से लेके बड़े तक के सारे साइज अवेलेबल है। उसके जो ड्रिल चक्स होते हैं ये हो गए, और अडॉप्टर हो गए, ये कॉलेट हो गई, ये इसके टूल हो गए, ये साइड एंड फेस टूल हो गए, इसके टूल हो गए, ये यू ड्रिल हो गया, ये एंड मिल हो गया, ये सारे साइज के एंड मिल सारे अवेलेबल है मेरे पास। ओके, तो अब जो है हम शुरुआत करेंगे वीडियो की, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ें पूछेंगे और उसके जो वैल्यू वगैरह है सारी चीज़ें मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे, इसमें 3 HR से आती है, 45, 55 और एक आता है इसमें 65। तो हमारे पास ये रहा, अच्छा 3 HR से होता है इसमें हार्डनेस के हिसाब से, जो हार्डनेस पे चलती है। ओके, इसमें हार्डनेस 45, 55 और 65 आता है। ये जो हमारे पास पीस अवेलेबल है ये 45 का, ये माइक्रोन में साइज 1.5 में। ओके, mm में, ये आपको मात्र मिल जाएगा 100 रुपये का, ये 100 रुपये का पीस नया एंड में। ठीक है, 100 रुपीज का पर पीस पड़ता है। उसके बाद में और जानते हैं हम, उसके बाद ये अपने पास इसमें सारे साइज वाले मिल जाएंगे, 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm से लेके 20mm तक के सारे साइज अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं जितने भी लगे हुए हैं सारे साइज लगे हुए हैं। ठीक है, जो भी आपने बताया वो एक ही सेम ही है? नहीं नहीं नहीं, सब अलग अलग है। 1.5 में, ये 2mm में है, ये 3mm में है, ये 6mm में है, ये 8mm में है, ठीक है, ये वाला 12mm में है, ये 16 का है, ठीक है, 16mm, ठीक है, ये 18mm है, ठीक है, ये 20mm है, ठीक है। इसमें भी मैंने जैसे अभी आपको बताया था 45, 65 और 55 वाले अवेलेबल है, सारे साइज बड़े साइज में भी 20, 22, 25mm तक के मेरे पास एंड मिल अवेलेबल है, कार्बाइड के, सॉलिड कार्बाइड के। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर दूंगा, डिस्प्ले पे चलाऊंगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रेट थोड़ा शेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्राइवेसी है, इसलिए आपको नंबर दूंगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये इसकी कॉलेट्स है जिसमें एंड मिल पकड़े जाते हैं, ये CNC वगैरह मशीन की मिलिंग मशीन जो होती है ना उसमें कॉलेट पकड़ी जाती है, ये कॉलेट होती है इस तरीके से, ये इसमें पीछे थ्रेड होती है और आगे से एंड मिल पकड़ा जाता है, ये मशीन में डायरेक्ट लगती है। ये भी अपने पास सारे साइज में अवेलेबल है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज में, ये 25mm तक का है लास्ट साइज, इसमें सारे साइज अवेलेबल है। उसके बाद है ये हमारा एडॉप्टर,
ये अडॉप्टर होता है, इसके अंदर कॉलेट लग के फिर इसमें एंड में पकड़ा जाता है। ये BT40 का कॉल अडॉप्टर बोलते हैं उसको। ये भी अपने पास अवेलेबल मिल जाएगा, ये भी मिलिंग की आइटम है। ये इसके रेट पड़ेंगे आपको 1450 रुपये। ठीक है। और ये चाहिए आपको, ये भी चक में लगती है, ये CNC मशीन में भी लगती है, राउटर मशीन में भी लग रही है आजकल। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में और आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। ये आप देखिएगा इसको, बिल्कुल 0.01 का ड्रिल भी होगा ना आपका, ये वो भी पकड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल आपका, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम से जो है सेट बिल्कुल मिल गया तीनों से। ठीक है, बिल्कुल। इसमें मेरे पास ये 1/2 इंच का भी अवेलेबल है और इसमें 1/4 इंच का साइज भी अवेलेबल है। ये वाला आप लोग, ये पड़ेगा आपको 800 का, और ये वाला लोगे आप, ये पड़ेगा आपको 1500। सारे साइजेस को कवर कर लेंगे, सारे 20 mm तक का सारे साइज आएंगे इसमें। ओके ओके, ठीक है। इसमें 13 mm तक का साइज आएगा, इसमें 20 mm तक का साइज आएगा। उसके बाद पीछे का इसमें स्टैंडर्ड साइज आता है, जिसमें आर्बर लगती है, वो डायरेक्ट मशीन में लग जाएगी। डॉक्टर भी आते हैं, वो भी अवेलेबल है। मिलिंग की CNC मशीन की, BMC मशीन का, कोई सा भी A to Z टूल हो, सब अवेलेबल है अपने पास और बहुत रीजनेबल रेट्स में। ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारी यू ड्रिल्स की बारी। ये होता है यू ड्रिल, इसमें कार्बाइड इंसर्ट लगती है दोनों तरफ। ये रहा, इसमें भी सारे साइज अवेलेबल हैं। ये साइज के हिसाब से इसके रेट होते हैं, जैसे इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा उसके रेट ऐसे वैसे इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद है ये स्पेसिंग कटर, इसमें मेरे पास 4 साइज मिल जाएंगे, 50 mm, 63 mm, 100 mm और 120 mm। इसमें मेरे पास 4-5 साइज अवेलेबल है, वो सारे मिल जाएंगे। इसमें जो इंसर्ट लगती है वो ये इंसर्ट लगती है APMD, और एक इसमें लगती है R6 इंसर्ट, जो सबसे ज़्यादा चलती है। ये दोनों इंसर्ट सबसे ज़्यादा चलती है, अपने पास ZCCG अवेलेबल है। ये चाहिए तो ये भी रीजनेबल रेटों पर मिल जाएगी अपने पास। उसके बाद आता है ये यू ड्रिल नेम है, अगर बड़े साइज में चाहिए तो अपने को बड़े साइज में भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3D में होता है यू ड्रिल, इस तरीके से होता है। ये 2D, 3D सब में मिल जाएगा मेरे पास, 4D तक में। इसका जो डाया का साइज होता है वो मेरे पास 16 mm से लेके 32 mm तक के सारे साइज अवेलेबल है। ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, बाहर का माल होता है ये सारा, USA। ठीक है, आप देख सकते हो। और इसका मटेरियल ही अलग होता है। ओके, ठीक है, आप देख सकते हो ये भी मिल जाता है आपको यहाँ पे। और इसके बाद जो मिल जाएंगे अपने पास, ये CNC के होल्डर्स मिल जाएंगे अपने पास। CNC होल्डर, जी होल्डर होते हैं। ये ग्रोविंग का होता है, ये टर्निंग का होता है, ये ग्राइंडिंग का होता है। ठीक है। हाँ, इसमें ये लेफ्ट राइट साइड आती है, ये लेफ्ट ये राइट, इसमें बोथ साइज अवेलेबल मिल जाएगी। और इसमें न्यूट्रल जाता है एक, बिल्कुल सीधा वाला, स्ट्रेट वाला, वो भी अवेलेबल है अपने पास, अगर वो भी चाहिए तो। अपने पास सारी आइटम अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये जो है, क्या बोलते हैं इसको, इसको होल्डर बोलते हैं, होल्डर बोलते हैं, देख सकते हो ये। ठीक है, इसकी वैल्यू वगैरह लगती है टर्निंग वगैरह करने के लिए, जो ना मशीन के ऊपर, बहुत बढ़िया CNC मशीन है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको रेट पता करने है ना, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए, आप जो भी चीज़ चाहिए मिल जाता है। और एक आइटम ये और है अपने पास, ये लेवलिंग मीटर होता है, मीटर ट्यूब का डायल इंडिकेटर बोलते हैं उसको। ये डायल इंडिकेटर होता है अपने पास, मीटर का। अच्छा, बहुत ही रीजनेबल रेटों में अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ओके, ठीक है, ये मशीन पे लगता है लेवल देखने के लिए उसकी सीट के लिए। ठीक है, इसमें लोकल भी अवेलेबल है अपने पास, अगर लोकल चाहिए तो लोकल भी मिल जाएगा। वैसे ये सबसे ज़्यादा जो कंपनी में चलता है ये मीटर टू में चलता है। और उसके बाद रही बात एंड मिल की, ये देखिए जो मैं बोल रहा था, सबसे ज़्यादा हार्डनेस में जो चलता नहीं, 65/40 का चलता है, ये होता है 65/40। ओके, इसको किसी भी मटेरियल में चलाना है, आप MS हो गया, 31 हो गया, P20 हो गया, स्टील हो गया, किसी भी मटेरियल पे चलाना, ऑल ओवर मटेरियल पे काम करेगा। उसके बाद जो उससे कम हार्डनेस में आता है वो आता है 55/40 का, वो होता है ये आइटम, ये 55/40 का होता है, गोल्डन कोटेड। देख सकते, कंडीशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्रेश पीस है। ठीक है, इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है ये 45/40 का, ये ब्लैक कोटेड जो होता है 45/40 का। ये सिर्फ लोहे वगैरह के लिए, जो हल्का मटेरियल होता है, एलुमिनियम वगैरह जो होता है, ये उसमें काम करता है और बहुत बढ़िया काम करता है ये। अपने पास ये नए भी अवेलेबल हैं और पुराने चीज़ें तो पुराने भी अवेलेबल है, जैसे कहोगे आप वैसे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं
इंसर्ट चाहिए, सीएनसी बीएमसी वगैरह सब सीएनसी में, हाँ इनके होल्डर में लगती है ना ये होल्डर हाँ। में ये इसमें साइड एंड फेस कटर में। ओके ओके ठीक है, तो देख सकते हो। और ये रही कुछ, ये देख सकते हो ये कटर में लगते हैं, सबसे ज़्यादा चलेंगे रनिंग में आने वाली इंसर्ट हैं आर सिक्स और बीएमटी 11 वाली 16 वाली। ओके ओके ठीक है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। तो दोस्तों आपने देख लिया है, सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं, छोटी वीडियो बनाई है। लॉन्ग वीडियो बनाने से आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सबके पास काम भी होते हैं, सारी चीज़ें निकाल के काम से फुर्सत होकर वीडियो देखते होंगे। तो दोस्तों बताने ये वीडियो आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो के नीचे प्यार से लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई भी सवाल है कोई भी आपका क्वेश्चन है जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई भी टाइम से करूँगा। और ये वीडियो आप बताना कैसी लगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए एनर्जी के साथ। ओके दोस्तों, बाय।